आज हम बनाएंगे बच्चों के टिफ़िन के लिए पोटैटो पार्सल, और ये बहुत ही टेस्टी है, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम डो लगाएंगे। डो के लिए हमने 2 कप मैदा डाल दिया है, हाफ कप हमने बेसन डाला है। डाल के इसके बाद हमने 1 चम्मच भर के ऑयल डाला है, कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। ये नमक डाला है स्वाद अनुसार के लिए, और ये थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और कलर के लिए हल्दी डाला है, और ये अजवाइन डाला है मैंने। इसको क्रश करके डालेंगे ताकि खुशबू रिलीज हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़े थोड़े पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। पानी एकदम से ना डाले, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाले। ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ, और डाल के फिर आपको ये एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। ये हमने बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। ऊपर की परत नहीं सूखने के लिए हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ढक के 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। ये मैंने बॉयल पोटैटो ले लिया है, 4 मीडियम साइज़ का बॉयल पोटैटो मैश करके ले लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। इससे टेस्टीपन आएगा, चटपटा लगेगा। और इसके बाद मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो ना डालें। हरा धनिया डाल रही हूँ, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसका स्टफिंग हमारा तैयार कर लेंगे। ये तैयार हो गया गया ये हमारा स्टफिंग तैयार है, और इधर हमारा डो बिल्कुल सेट हो के रखा है। अभी हम नाश्ता बनाएंगे। अभी हम इसी डो में से थोड़ा सा आटा ले लेंगे। ये लेके इस तरह से पेड़े बना लेंगे, जैसे पूरी के लिए पेड़े बनाते हैं ना, इस तरह से छोटे छोटे, एक नींबू के बराबर, छोटे नींबू के बराबर। और थोड़ा सा आटा इस तरह से डस्ट कर लेंगे, और थोड़ी सी एक पूड़ी बना लेंगे, छोटी सी पूड़ी बना लेंगे, जैसे पूड़ी बनाते हैं इस तरह से बेलना है। बेलने के बाद ये देखिए मैंने पूड़ी की जितना ही बेला है, और इसके बाद हम इसमें स्टफिंग डाल देंगे। ये पोटैटो स्टफिंग हमने डाल दिया है, और इसको पार्सल की तरह बंद करना है। हमने पहले ही बोला था ये पार्सल है, तो पोटैटो पार्सल है, तो हम इस तरह से थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे बंद करने के बाद, और हल्के हाथ से इसको बेल लेंगे। ये देखिए ये हमारा पार्सल तैयार हो गया है, और सभी को हम इस तरह से तैयार करेंगे। पोटैटो पार्सल फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया, और जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो हम इस तरह से जो पार्सल बना के रखा है इसको ऐड कर देंगे, और इसको पलट पलट करके दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे, और थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगा। और ये देखिए थोड़ा सा स्पेसुला से प्रेस भी कर देंगे इस तरह से, और ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। ये देखिए कितना बढ़िया से फ्राई हो गया है, कलर भी गोल्डन कलर आ चुके हैं। और अभी हम इसको निकाल लेंगे, और इस तरह से हम सारे पोटैटो पार्सल फ्राई करके तैयार कर लेंगे। हमारा पोटैटो पार्सल बन के तैयार है, और ये बच्चों के टिफ़िन के लिए या छोटी छोटी भूख के लिए बहुत ही अच्छा रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं इसे मैंगो की खट्टी मीठी चटनी के साथ परोस रही हूँ, और अभी मैं इसको आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया स्टफिंग डाला हुआ है, बहुत गर्म है अभी। ये देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।